नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। करवा चौथ पर सिर्फ ये दो उपाय करने से वैवाहिक जीवन की हर समस्या दूर हो जाएगी। अखंड सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि व खुशहाली के लिए हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इस दिन महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत रख कर शाम को पूजा करती हैं और पति के दीर्घायु होने की प्रार्थना करती हैं। चांद दर्शन के बाद पति अपने हाथों से अपनी पत्नी को जल पिलाकर पत्नी का व्रत खुलवा है। इससे पति पत्नी दोनों में प्यार और त्याग की भावना प्रबल होती है। यदि पति पत्नी के बीच रिश्ते में कड़वाहट और दूरियां आने लगी हो तो आज करवा चौथ के दिन ये कुछ खास उपाय करने से आपकी ये समस्याएं दूर हो सकती हैं। आइए जानते हैं वो उपाय। करवा चौथ के दिन एक कागज पर अपनी समस्या लिखिए और दूसरे कागज पर उस समस्या का समाधान जिसकी आपको चाहत है। इन दोनों कागज को लेकर आज करवा चौथ के दिन ऐसे मंदिर में जाएं जहां पूरा शिव परिवार की प्रतिमा स्थापित हो। इसके बाद दोनों कागज बंद करके भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर दें। उसके बाद विधि पूर्वक भगवान शिव और उनके परिवार की पूजा करें और मन ही मन में अपनी समस्या दूर करने की प्रार्थना करें। इसके बाद समस्या वाला कागज वहीं छोड़ आएं और समाधान वाला कागज अपने साथ ले आएं। ध्यान रखें कि इस उपाय को करते आप पर किसी की नजर ना पड़े। यदि पति पत्नी के बीच प्यार कम होने लगा हो तो आज करवा चौथ के दिन एक लाल कागज पर अपना और अपने जीवन साथी का नाम सुनहरे अक्षर से लिखें। इसके बाद इस कागज को लाल रंग के रेशमी कपड़े में 50 ग्राम पीली सरसों और 2 गोमती चक्र रखकर एक पोटली बना लें। अब इस पोटली को ऐसी जगह पर रखें जहां पर किसी की बार बार नजर ना पड़े। अगली बार जब करवा चौथ व्रत रखे तो अगले दिन इस पोटली को बहते जल में प्रवाहित कर दें। ये उपाय जरूर करके देखें, ये आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। ऐसी और जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।